यूजीसी नेट जून 2018 क्वेश्चन देखिए। इन आरडीबीएमएस विच टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज दैट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ज्वाइन कंडीशन है जो नीचे लिखी हुई है, इनके अंदर से रिटर्न्स ऑल रोज दैट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन, वो रोज रिटर्न करेगा जो ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेमी ज्वाइन और एंटी ज्वाइन। तो यहाँ आपने अगर ज्वाइन के बारे में पढ़ रखा है तो आपको वैसे एक ही बार में आइडिया होगा कि इसका आंसर इनर ज्वाइन है, क्योंकि इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन के अंदर क्या होता है, जो जब भी रो के एलिमेंट सेम होंगे तब क्या करेगा, वो पूरी की पूरी रो फेच करके लेके आ जाएगा। ओके, तो जब भी जैसे टेबल वन की रो है और टेबल टू की रो है, ठीक है ना, कॉलम के एलिमेंट मैच करेंगे, है ना। जैसे ये दो कॉलम है, ये टेबल वन का है, ये टेबल टू का है, और यहाँ जो एलिमेंट दिए हुए हैं, मान लिया ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स मैच करके, तो ये वाली पूरी रो क्या हो गया, फेच करके ये लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या, इनर ज्वाइन, इसका आंसर क्या है, इनर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के अंदर क्या होगा, वो एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, वो रोज भी फेच होकर आ जाएगी जो मैच नहीं कर रही है। ओके, चाहे वो लेफ्ट टेबल से हो या राइट टेबल से हो, आउटर टेबल क्या करेगी, जो मैच कर रही है उसको तो फेच करेगा ही करेगा, वो रोज जो मैच नहीं कर रही है वो भी फेच करके रिजल्ट के अंदर शो कर देगा। सेमी ज्वाइन के अंदर क्या होता है, देखिए व्हाइल अ सेमी ज्वाइन रिटर्न्स वन कॉपी ऑफ ईच रो इन फर्स्ट टेबल फॉर विच एटलीस्ट वन मैच इज फाउंड, कम से कम अगर एक मैच में मिलेगा तो क्या करेगी, ये एक कॉपी रिटर्न जरूर करेगी। कौन करेगी, सेमी ज्वाइन, कम से कम अगर एक मैच भी होगा ना तो कॉपी रिटर्न कर देगी। जबकि एंटी ज्वाइन कब रिटर्न करेगा, जब कोई भी मैच नहीं होगा, कोई एलिमेंट टेबल वन का अगर टेबल टू से मैच नहीं हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। कब करेगा, जब वो वैल्यू मैच नहीं होगी। ओके ना, ये किसके अंदर होता है, एंटी ज्वाइन, नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई मैच नहीं हुआ तब वो जो रो है वो रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर, इनर ज्वाइन।